कंपनी को ट्यूशन छोड़ने के बाद हम लोग जीत और मैं कहीं गए थे, थोड़ा काम था कुछ, एंड एक साथ उनको लेके आए हैं, तो फटाफट जीत को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो वो फटाफट निकल रहे हैं और रोटी बनाने का टाइम नहीं है। तो मोस्टली मैं ये छोले हो गया या काला चना हो गया ये मैं भिगो के मतलब बॉयल करके रखती हूँ, या स्प्राउट्स वगैरह वो फ्रिज में मैं रखती हूँ, तो बस उसी को उनको पसंद भी है। उसमें कुकुम्बर, टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च यही ऐड कर दिया है। प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा काला नमक भी ऐड करूँगी ना, तो फिर प्याज जो है वो पानी छोड़ेगा एंड टेस्ट अच्छा नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा सा बस चाट मसाला एंड काला नमक ऐड करूँ, बाकी जो नमक उनको चाहिए होगा वो ऑफिस में ऐड कर लेंगे। एंड साथ में बस नींबू जो है वो मैं काट के दे दूँगी, मतलब टिफ़िन में काट के रख दूँगी, बाद में जब वो खाएंगे उसी टाइम पे वो नींबू का जूस निकालेंगे। तो बस ये हो गया उनका सिंपल सा लंच। भी आ गए हैं ट्यूशन से, तो उनको सेकंड ब्रेकफास्ट दे रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह जब वो जाते हैं तो बस मिल्क एंड सीरियल्स थोड़ा सा खा के जाते हैं, आने के बाद वो थोड़ा सा और ब्रेकफास्ट को सेकंड ब्रेकफास्ट करते हैं, देन वो नहा के लंच करते हैं। तो एक टोस्ट ही बना लूँगी, उसके लिए एक ही अंडा लिया है, उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मिल्क, इससे काफ़ी अच्छा फ्लफी बनता है, एंड हल्का सा पिंक सॉल्ट। बस सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। बटर थोड़ा सा एंड ब्रेड को बस इसमें एग में डुबो के डिप करके उसको सेक लेंगे। तो ये उनको आजकल का, अभी क्या जैसे बच्चों को होता है ना कभी कुछ उनका फेवरेट होता है, तो आजकल उनका यही फेवरेट है कि ये ब्रेड टोस्ट एंड सीरियल्स मिल्क, ये उनका आजकल का फेवरेट है। तो बस ये उनका दो ब्रेड अभी वो खा लेंगे, देन थोड़ी देर के बाद वो फिर लंच करेंगे। Tiffin, lunch box. Dad, I forgot his lunch box at office. So all the lunch boxes are at office. So I'll have to bring it. Sara, le aana. Aaj to gaadi leke ja rahi ho na? Aaj to gaadi leke ja rahi ho. Arey? You want to see Dad's lunch box like this? And after seeing, what do you need to do? Where is the hankurins? You want to see? And after seeing, what do you need to do? Bye bye. Chalo, bye bye bye. गाड़ी चाबी लिया? हाँ हाँ, गाड़ी चाबी तो लेना भी एक बहुत बड़ी चीज है। शेर के मुंह से निवाला छीनने वाली बात है। चलो बाय बाय बाय। Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. How's it? Good. Bunny. Good. You have not eaten anything. And how you are saying good? Huh? See, honey is eating, it's not gum. Khai de, jol dikha. Now tell, how's it? Good. What are you thinking, honey? Abhi unka thoda sa screen time and second breakfast time. Uske baad hota. Khelenge aadha ghanta, ek ghanta. Then naha ke lunch karenge. Maine apne liye simple si Maggie banayi hai. Pata nahi, aaj bahut man kar raha tha mujhe Maggie khane ka. वैसे मैं एक साथ ही लंच करती हूँ, बट ये मेरा ब्रंच टाइप का हो जाएगा। बहुत टाइम हो गया, मतलब हम लोग जब सर्बिया गए थे तो एक बार मैगी बनाया था रूम में, बट मैंने नहीं खाया था। गर्मा गर्म ये पूरा वो हो गया कैमरा। तो बस सिंपल सी मैगी बनाइए, आज मेरा यम्मी सा ब्रंच यही मैगी। Sure.
on this boat and we all know where we belong. Just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us. If we just hold. Getting closer every dawn. Ooh. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. Ooh. Just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the हनी बनी अपना आफ्टरनून नैप ले रहे हैं एंड आज मैंने टेबल रनर देन कुशन कवर्स ये सब चेंज कर दिए क्योंकि काफ़ी दिनों से चेंज में नहीं हुए थे. प्लस कल हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो कल मोस्टली मैं किचन में रहूँगी, खाना वाना बनाऊँगी, तो सोचा कि आज ही टाइम मिल रहा है तो आज ही चेंज कर देती हूँ. तो थोड़ा सा ऐसे मिक्स मैच करके चांदू ऐसे कुशन कवर ऐड कर दिया है एंड ये तो कर्टन्स के साथ में ये थोड़ा सा मैच हो रहा है. टेबल की चेयर्स जो है वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं एंड यहाँ पे काफ़ी स्पेस हो गया इस वजह से क्योंकि बच्चे खेलेंगे इसलिए मैंने स्पेस टेबल अंदर कर दिया है एंड काफ़ी स्पेस हो गया है. तो बस मुझे ठीक ठाक लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना. तो बस अभी मैं जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ. अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, मतलब सुबह से ये काम में लगी थी, फिर खाना वाना बनाया, हनी बनी को खिला के सुला दिया. अभी मुझे टाइम मिला है, मैं जाती हूँ, अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ. तो कल जब हमने ये वाला पानी बॉटल लिया था तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इतना सारा बॉटल करोगे क्या, तो पीने के लिए लिया है. एक्चुअली पहले हम लोग, हमारे घर में एक्वागार्ड नहीं है एंड अभी हमारा लगवाने का भी प्लान नहीं है रेंटेड हाउस में. एंड पहले हम लोग 20 लीटर वाला बॉटल लेते थे बट अभी किसी रीज़न की वजह से हम लोग ये वाला बॉटल ले रहे हैं क्योंकि इस कंपनी का हमें 20 लीटर का नहीं मिल रहा है, 20 लीटर का नहीं आ रहा है इस कंपनी का, तो इसीलिए हम लोग ये वाला बॉटल जो है वो ले रहे हैं. चार मैंने स्टोर रूम में रख दिए एंड एक जो है वो अभी किचन में यूज़ हो जाएगा. लिविंग रूम इज येलो रूम, पर्दा डाल दिया ना तो रूम येलोइश लग रहा है. हनी बनी रूम बिकम ब्लैक, उनका भी कर्टन डाल दिया ना. सी नाउ इट्स लाइट. नो, मेक इट डार्क. मेक इट डार्क? यस. लाइक दिस. एंड गो इनसाइड द डार्क. करी प्लांट, करी पत्ते का जो प्लांट है ना वो मेरा ऐसे ही ग्रो कर रहा है. तो मैंने कल वीडियो में दिखाया था ना, तो मुझे किसी ने बोला था कि ऊपर का थोड़ा थोड़ा ऐसे टक कर देना ना तो वो घना बनेगा, लंबा नहीं बनेगा. तो थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ एंड इस करी पत्ते को फिर मैं अभी यूज़ कर लूँगी खाने बनाने में. You know who is honey and bunny? Where? In honey bunny room. But I know bunny, but bunny saying no. Which honey is holding that green one? That is honey or bunny. This is honey or bunny? This is bunny. This orange one is honey. No, it's ulta. You are correct. Green. I am correct. No. Honey is correct. Green one is honey and orange one is bunny. Honey was correct. Give a high five. How you know honey? How you know? See, look at your face. Hey, stand here. Stand on the table. This table. And look this side. Mama. See.
गाइस देखिए, अभी का हनी और उस टाइम एक साल का हनी, ये उनका केक स्मैश का फोटो है, एक ईयर फर्स्ट ईयर का केक स्मैश। ये देखिए, ये कहाँ गए ये लड्डू जैसे गाल, ये लड्डू जैसे गाल, ये क्यूट सा फेस हैं। अभी खाली दिन भर भागम दौड़ी, इधर उधर भागना भागना खेलना। बनी बनी यू ऑल्सो स्टैंड अप, बनी यू ऑल्सो स्टैंड ऑन टेबल, जल्दी जल्दी फटाफट 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 फटाफट, वी विल सी एंड हाउ, लुक हियर, लुक दिस साइड, लुक मामा, सी दिस इज बनी एंड दिस इज बनू, सी वाओ। देखो लेट मी टेक वन पिक्चर नाउ। गाइज आप बताना कि क्या चेंजेस आए उनके फेस में, काफ़ी चेंजेस आए, मतलब कलर भी थोड़ा चेंज हुआ है, ऑब्वियसली वो चब्बी वाला फेस अब नहीं है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो थोड़े दुबले होते जाते हैं, धीरे 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 पढ़ाई का वो प्रेशर रहता है, खेल कूद मस्ती, फिर एक बार ग्रेजुएशन जॉब, उसके बाद फिर उनका हेल्थ लगना स्टार्ट होता है। तो ये वाला उनका जो फर्स्ट ईयर का फोटो हमने ऐसे कर्टन बनाया था उनके रूम में, एंड जब भी इस कर्टन को मैं डालती हूँ वो भी खुश होते हैं, साथ ही साथ हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये एक बहुत अच्छा मेमोरी, कभी भी हम लोग कोई भी घर चेंज करेगा ना, उनके रूम में हम लोग इस टाइप का कर्टन ज़रूर बनाएंगे, हमें बहुत पसंद है। एंड काफ़ी लोग पूछते भी थे कहाँ से बनवाया था, तो यहाँ हम लोग देरा से, देरा में ये ऐसे प्रिंटिंग शॉप्स होते हैं, तो हमने ये वाइट वाला ब्लाइंड जो है वो ख़रीदा था, वहाँ पर जाके प्रिंटिंग शॉप है जो प्रॉपर, जो बड़े बड़े प्रिंटिंग शॉप्स होते हैं, जो जैसे शादी के कार्ड वगैरह या बैनर वगैरह ये सब जो प्रिंट होता है ना, वहाँ पे जाके हमने ये प्रिंट करा था। कहीं से भी ये वाला जो वाइट कलर का ब्लाइंड जो है आप वो ख़रीद लो, एंड उस टाइप के प्रिंटिंग शॉप में जाके आप कोई भी फ़ोटो दे के अपना प्रिंट करा सकते हो। उनके पास बड़े बड़े बैनर्स बनते ना, तो वो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं किस टाइप का कर्टन जो है वो प्रिंट कर पाए। हैं हंकू हंकू, इनके बाल देखो कितने ज़्यादा थे बाल। एंड बंकू 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 के फेस से उस टाइम पे भी बदमाशी झलकती थी, एंड अभी भी बदमाशी झलकती है, शो मी। एंड हनु हनी तब भी क्यूट मासूम सा लगता था, अभी भी मासूम लगता है, बट दोनों बदमाश बराबर है। सो अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ, पहले तो अपने लिए यहाँ पे चाय बना लिया है, एंड यहाँ पे डिनर में आज आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँगी, चटपटी सब्जी। तो बस यहाँ पे मैंने लिया है करीब 2 चम्मच ऑयल, इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, जीरा एंड कलौंजी, हींग, थोड़ा सा सौंफ भी ऐड कर रही हूँ, कड़ी पत्ता, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटर, बेसिकली जितना आलू उतना टमाटर, तो मैंने 4 आलू लिए हैं बॉयल्ड आलू, तो इसके लिए 4 टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए नमक, टमाटर यहाँ पे गल गया है तो इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। इसमें आप कसूरी मेथी अभी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास है नहीं तो कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस सारा मसाले को मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ किया है। बस मसाला भुनने के बाद यहाँ पे बॉयल्ड आलू लिए थे, तो उसको बस ऐसे हल्के हाथों से तोड़ दिया है, मैश नहीं किया है, तोड़ दिया है, तो वो ऐड कर देंगे इसमें एंड मिक्स कर लेंगे। अब चाहो तो ऐसे सूखा भी खा सकते हैं उसको, बस 5-7 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम में भुन के, क्योंकि मसाला भी भुना हुआ है, आलू भी बॉयल्ड है, हाई फ्लेम में बस हल्का सा करारा होने तक भुन के, ऐसे भी पूरियों के साथ में खाने से बहुत अच्छा लगता है। बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी मतलब ग्रेवी रखूँगी, तो हल्का सा पानी ऐड करूँगी। टमाटर के हिसाब से नमक हमने ऐड किया था, बस अभी आलू के हिसाब से नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे। बस इसको अभी धीमी आंच में 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, एंड ऊपर से धनिया पत्ता जो है वो गार्निश कर देंगे। तो जब तक मेरी सब्जी बनी तब तक मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है, बहुत जल्दी बन जाता है, अगर बॉयल्ड आलू घर में रखे हो ना तो बहुत जल्दी बन जाता है। एंड एक ऐसी सब्जी है जो कि मतलब सबको पसंद आता है, बच्चों को भी बड़ों को भी सबको पसंद आती है। For better days to come and carry us like wind in
गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है। चल क्यों से बढ़िया है? व्हाट इज है? तो गाइस बस हम लोग अभी थोड़ा सा ऐसे निकले थे बाहर। थोड़ा क्यों, पूरा ही निकले थे भाई? पूरा निकले थे, अभी घर जा रहे हैं, डिनर करेंगे, देन ब्लॉग एंड हो जाएगा। एक खुशखबरी बीच में ये है कि इंडिया हैज गॉट इट्स 15th प्रेसिडेंट एज द्रौपदी मुर्मू जी। सो मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस टू द्रौपदी मुर्मू जी, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। एंड एक और चीज है, मे बी पीपल फ्रॉम ओडिशा दे कैन बी अ लिटिल मोर एंथुसियास्टिक कि पहली बार ओडिशा से किसी को चुना गया, दैट टू फ्रॉम ट्राइबल एरिया, है ना। वो फॉर्मर गवर्नर रह चुकी है झारखंड की, बहुत सारे अच्छे काम है उनके जिसकी वजह से उनको चुना गया था एनडीए की तरफ से। एंड फाइनली शी वॉन एंड शी बिकेम दी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैल्यूट। कुछ लोग, चंद लोग हैं जो हमें गाली देते हैं, ऐसे तुम साले ओडिशा आदिवासी लोग हो, दुबई में जाके रह रहे हो। ये ठीक है, हम आदिवासी हैं ओडिशा से, आदिवासी ओडिशा से कोई प्रेसिडेंट बन गया इंडिया का, अब क्या बोलोगे बोलो। सो मतलब एक चीज अच्छी है अबाउट द डेमोक्रेसी एंड ऑल दोस थिंग्स दैट नो एवरीबडी इज गेटिंग चांस। सो नेवर थॉट ऑफ की कोई ट्राइबल एरिया से आके एंड दे विल बिकम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत गर्व की बात है, मतलब जो भी बने होंगे, मतलब इससे पहले मतलब रामनाथ कोविंद साहब, मतलब ही हैज डन फिनोमिनली सो मेनी थिंग्स, है ना। उन्होंने उनका जॉब बहुत जबरदस्त था। नाउ ऑल द बेस्ट टू द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब यू बिकम द 15th प्रेसिडेंट एंड रियली प्राउड फॉर इंडिया and lot of proud for lot of people back from Odisha. So wish you all the best, है ना? Yes, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। समय समाप्ति की योजना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम क्या क्या करने वाले? हम खाना बनाने वाले, हम बावर्ची बनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो लेकिन एक बात है, जब भी ये बावर्ची बनती है ना, उस दिन स्वाद ही अलग लेवल पर आ जाता है। स्वाद अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको बहुत ही जबरदस्त यम्मी यम्मी खाना सीखना है, देखना है एक बार, तो मे बी यू कैन फॉलो टुमारोज ब्लॉग। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। दो कहने से बाय बाय। ये कौन हो? इसको हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है, ऐसे नाक ऐसे टेढ़ा, मुंह उसको हमेशा। ओके से बाय टू एवरीवन, गिव अ फ्लाइंग किस। ओके गिव फ्लाइंग किस। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है ना कि अब ये फ्रंट साइड से देख के ना कोई भी ऐसे, हम लोग भी, हमें भी अच्छा लगता है, हम कई बार बैक साइड से बनाते हैं, लेकिन एक वो वाला फीलर नहीं आता जब आप अपने आपको देखते हो, ऐसा लगता है हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इसको भी ऐसे ही फीलर आ रहा है कि ये तो देख रहे हैं, तो आ वो सब कुछ बनाते रहते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय, सी यू।